और क्या क्या तमाशे हैं, इन सियासतदानों पर बातें करने भी मुंह खराब करना है। किसी मजार पे गया तो सजदा रेज हो गया। अरे तू जो उम्रा करने गया था मदीना मुनव्वरा, तो वहां कोई दहलीज नहीं था कि वहां सर झुका लेते? तू सर झुका सकते थे, दास चाबक बजे फोड़ ले याद बदी दर दे बात निकली भी दरबार। तो पाक पैगंबर के यहां सजदा जायज नहीं है ज़ियारत में, और फरीद गंजशकर को जायज है। तो ये कमजोरी है लीडरों की, बहुत मौलाना की बद्दुआ अलहदा लगी है इसको। आए दिन कोई न कोई कमतरी दिखाता है और ख्वाब देख रहे हैं वजीर आजम होने का। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मुल्क मिल्लत महफूज फरमाए, जिनका ईमान दुरुस्त नहीं, जिनका अकीदा नहीं, जो शिर्क को अदब समझते हैं, जो कुफर को बुजुर्गान दीन के यहां जाके अंजाम देते हैं। इतने बड़े इस्लाम और इतने बड़े मुसलमानों की आंखों में धूल डालते हैं, और दसों ताबीर आप करें, एक आदमी घूं खा ले ना, फिर कहे कि ये बहुत मीठा था और ये बड़ा अच्छा था, खाया घूं है ये गुलखोर, द गुलखोरा ही ना मैंने कह दिया निश्चित, वही उजर लंग है। और वही यही हाल उनका भी है जो जुमे के कातिल है, और हर जुमे को उसके खिलाफ क़यामत का नक्शा पेश होता है। जुमे के रब ने